निकटवर्ती ग्राम बिलोना निवासी हरीश तिवारी की बेटी की उसके पति ने बेरहमी से पिटाई कर उसे घायल कर दिया है। लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अब पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि बिलोना निवासी हरीश तिवारी की बेटी खष्टी देवी का विवाह पिथौरागढ़ निवासी गोविंद गढ़कोटी के साथ हुआ था। आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही खष्टी का पति उसके साथ मारपीट करता है। गत दिनों भी उसके पति गोविंद ने खष्टी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों की मदद से पीड़िता को अस्पताल में इलाज के उपरांत उसे मायके बिलोना पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने बताया कि मारपीट करने वाले पति गोविंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर जांच की जा रही है। प्रशासन जो हिसाब रहो कि 12 बजे रात हमारे रिपोर्ट दर्ज होने 3 बजे फांड में 3 बजे फांड में बच्ची नहीं कोई ड्राइवर छोड़ दे और या मन को फोन करो और 12 बजे हमारे रिपोर्ट यहाँ पर हम जब गया 12 बजे रिपोर्ट दर्ज करी। मेरे पति ने मुझे मारपीट के चोरियों से ऐसे निशान बना के सेकते मुझे रोड पर फेंक दिया था। कोई गाड़ी वाले ने मुझे थाना पहुंचाया। थाने से मेरे मम्मी पापा के पास फोन गया। उन्होंने मेरे मम्मी पापा थाने में आकर उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया और उन्होंने मेरा मेडिकल करा के मुझे कहीं हेल्प वहाँ के मेरा इलाज भी कराया था। और मेरे पति ने मेरे बाल तक ऐसे काट के इस तरह से कई बार होता रहता है मेरे साथ ऐसे पर आज मेरे साथ अधिक मारते हैं। मिला के चिल दीवार आती मास्टर से अल्टी मास्टर सब मेरे चिल्हों में मारपीट करके बचा दिए। मैं चिली गुलबत करके मार दिए रोड में छोड़ दिए आम मैंने भगले छोड़ दिए आम में चिली फोन आया कि वहाँ ऐसे भेजो भाई ड्राइवर वहाँ थाने में पूजा कल यहाँ से उसके साथ 2000 से एक महिला फरहिंग अरमोले से हमारे थाने में आई थी। उसका कहना था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है कपड़े खा रहे हैं। उसकी एक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कल दिनांक 21/5/2021 को हमारे थाना निर्णय में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है जिसमें जांच जारी है और जल्द से जल्द सबूतों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।